सीपेक, इन्होंने तो पूरा क्वाड बनाया हुआ है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, सीपेक को खत्म करने के लिए। अगर 10 साल तुम कुछ नहीं करे और 10 साल और कश्मीर को छोड़ दो तो हिंदुस्तान मुस्लिम मेजोरिटी को मुस्लिम मिनोरिटी बना देंगे कश्मीर को। आपकी आर्ट एंड सिनेमा में हमेशा जो इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, चाहे वो बिंदी हो चाहे वो साड़ी हो, उसको हमेशा ही वो एक गलत चीज के साथ जोड़ के दिखाते हैं। काफी सारे पाकिस्तानी दुश्मन तो नहीं बोलूंगी, फॉलोअर्स, दोस्त, उन्होंने ये लिखा कि हमारे यहाँ मुसलमान मुल्क है तो हमें जरूरत क्या है बिंदी लगाने की। तो ये भी तो आपको शर्म आनी चाहिए कि हिंदू कहाँ गया, जो रावलपिंडी में सिख और हिंदू थे वो कहाँ चले गए। आपने सबसे पहले घबराना है। पाकिस्तानी मीडिया के पास खाली 2-3 टॉपिक रह गए हैं, सीपैक, कश्मीर और अफगानिस्तान। 24 घंटे खाली इसी के ऊपर डिस्कशन चलती है पाकिस्तान के अंदर, उनके पास कोई और मुद्दा है ही नहीं। अब हिलाली साहब को ही देख लिए किस तरीके से 24 घंटे खाली भारत को ही कोसते रहते हैं कि ये हमारे सीपैक को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके खिलाफ वरौन ने इतना फंड इकट्ठा कर लिया है, अजीत डोवाल पीछे लगा हुआ है, कुलभूषण यादव को भेजा जा रहा है, मगर इनको ये पूछो तुम्हारी टोटल इन्वेस्टमेंट है कितनी इसके अंदर, $70 बिलियन। इससे पता चलता है तुम्हारी इस प्रोजेक्ट की कोई औकात नहीं है भारत के सामने। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए $70 बिलियन बहुत होंगे, मगर भारत के लिए कोई मायने नहीं रखते। भारत में पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री लग रही है, प्लांट्स लग रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, इसलिए भारत को तुम्हारे मुल्क में हो रही 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की कोई परवाह नहीं है। ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मुल्क की तरफ ध्यान दो। और दूसरी वीडियो में सोनम महाजन मैम ने बताया किस तरीके से हिंदू और सिखों के लिए नर्क बन चुका है पाकिस्तान। आइए इस वीडियो को देखते हैं, धन्यवाद दोस्तों। जफर हिलाली साहब, आपको लगता है कि इस वक्त खास तौर पर अगर हम देखें और सी पैक को भी हम अपनी नजर में रखते हुए, आपको लग रहा है कि इस वक्त भारत का कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो सकता है? हो सकता है कि भारत तो कुछ अपने इंटरेस्ट को देख रहा हो पाकिस्तान में, अगर सी पैक को हम जहन में रखें तो। सी पैक, इन्होंने तो पूरा क्वाड बनाया हुआ है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, सी पैक को खत्म करने के लिए। इनकी ख्वाहिश ये है कि सीपेक ना चले, इनकी ख्वाहिश है कि ग्वादर का पोर्ट डेवलप ना हो। मैं तो माफ करिए, मैं समझता हूँ यूएई की भी ख्वाहिश है कि पोर्ट डेवलप ना हो, इसलिए अगर वो डेवलप अच्छा। हो गई और मॉडर्न पोर्ट हो तो जबल अली का हालत कुछ ठीक नहीं रहेगा, इतना अच्छा नहीं रहेगा, इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ। उसके वो कुछ नहीं है भाई, ये जो दहशत गर्दी इंडिया करवा रहा है इधर, ये रादाव को भेज के थ्रू बलूचिस्तान में जो फंड कर रहा है मूवमेंट्स को। नहीं तो हिलाली साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि जो 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 इस रीजन में पाकिस्तान की डोमिनेंस या फिर इम्पोर्टेंस सीपैक की वजह से बढ़ रही है, भारत शायद उसमें इंटरेस्ट लेते हुए पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार नहीं करना चाहेगा, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि उसकी बजाय वो चाहेगा कि जिस वजह से इम्पोर्टेंस बन रही है उस वजह को खत्म किया जाए। देखिए, भारत के अपने इंटरेस्ट हैं, वो चाहता है ट्रेड रूट शुरू हो जाए सेंट्रल एशिया के और अफगानिस्तान से। भाई ठीक है, अगर तुम ट्रेड रूट्स चाहते हो, एक तरफ से सीपेक को सैबोटाज कर रहा है चीन के और हमारे से सैबोटाज, दूसरे तरफ से वो ट्रेड रूट्स मार रहा है अफगानिस्तान को, ट्रांसिट ट्रेड, ये वो। देखिए, इन लोगों की मोटिव्स जो हैं ये ऑनरेबल नहीं है। देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीरी पूछ रहे हैं हमसे कि भाई क्या हो रहा है, तुम लोग एक आर्मी के साथ मनूवर कर रहे हो उधर, फौजी जा रहे हैं, हम उनके फौजी, जैसे आपको पता है वो खारियां आ रहे हैं SCO के तहत। मैं नहीं कहता ये बुरी बात है, देखिए मैं सिर्फ आपको ये कहता हूं कि ये जो बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं खासतौर कश्मीरी हैं जो हमारे साथ हैं, उनकी लगन हमारे साथ है, वो कहते हैं अगर 10 साल तुम कुछ नहीं करे और 10 साल और कश्मीर को छोड़ दो तो हिंदुस्तान मुस्लिम मेजोरिटी को मुस्लिम मिनोरिटी बना देंगे कश्मीर को। सही है, उधर अच्छा, से वो ले आएंगे उनके RSS के गुंडे उधर सेटल करने। उन्होंने बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगाए हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ के ऊपर। उन्होंने कहा कि भारतीय मुफादात को तरजीह दी गई थी, मसला कश्मीर पर बात करने से इंकार भी किया गया, सिफारती अमले को दूर रखा गया। कुलभूषण यादव से मुतालिक भी उन्होंने कहा कि वो मोदी और नवाज शरीफ के दरमियान पैगाम रसानी किया करते थे। बड़े संगीन किस्म के इल्जामात हैं, एक अजीब सा प्राइम मिनिस्टर है भाई, हरकतें जो उसकी होती थी, इमेजिन कश्मीर जाना और कश्मीर के, सॉरी इंडिया जाना और कश्मीर के बारे में बात नहीं करना, हुर्रियत को मिलना नहीं, जिंदाल को ऐसे विदाउट वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं, ऐसे कि वो कोई ऑनरेरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है।
खुदा जाने उनके फैक्ट्रीज में किन किन लोग आके काम करते थे जिनके बारे में कोई इंटेलिजेंस क्लियरेंस नहीं होती थी. सही. आई मीन इट इज, मैं तो समझ ही नहीं सकता कैसे कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग करते हैं. एंड रावलपिंडी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन यूज्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ हिंदूज एंड सिख्स. सो आई हैड अ वेरी सिंपल पॉइंट टू मेक कि काफी सारे पाकिस्तानी यू नो दुश्मन तो नहीं बोलूंगी फॉलोअर्स दोस्त, उन्होंने ये लिखा कि हमारे यहाँ मुसलमान मुल्क है तो हमें जरूरत क्या है बिंदी लगाने की. अरे बाबा मैं ये नहीं कह रही कि आप मुसलमान हैं तो आप बिंदी लगाएं. मेरा एक सिंपल पॉइंट था कि आपके यहाँ पे अगर बिंदी नहीं मिलती है सो इजिली इन इस्लामाबाद, दैट मीन्स दैट यू नो या तो वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं वो भी मुसलमानों की तरह रहती हैं, या दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि वहां माइनॉरिटीज है ही नहीं. जो बहुत लोग इतनी ज्यादा पता नहीं उतना वो इतनी खुशी से क्यों मुझे ये चीज बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हिंदू है ही नहीं तो हम क्या करेंगे बिंदियां यहाँ रख के. तो ये भी तो आपको शर्म आनी चाहिए कि हिंदू कहाँ गया, जो रावलपिंडी में सिख और हिंदू थे वो कहाँ चले गए. आई एम अवेयर कि पार्टीशन के टाइम पे जितने भी जो रायट्स हुए थे वो रावलपिंडी से स्टार्ट हुए थे, चाहे हम चोहा खालसा की बात कर लें विलेजेस की, चाहे दुमाली की बात कर लें, चाहे हम कहूता की बात कर लें. दीज वर दी यू नो दीज वर दी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ रावलपिंडी विच वर लूटेड बाय मुस्लिम्स एंड द इंडिजीनियस पॉपुलेशन. जो वहाँ के जो हिंदूज और जो सिख्स थे दे वर मैसेकर्ड. तो द जोक इज ऑन दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू से कि हमारे यहाँ तो हिंदू ही नहीं है. तो सबसे पहले तो आप ये जवाब दें कि वहां के हिंदू गए कहाँ. पिंडी से 20 किलोमीटर तो है इस्लामाबाद, तो वहां की माइनॉरिटीज कहाँ गायब हो गई. तो वेदर यू हैव बिंदीज और यू डोंट हैव बिंदीज इट डजंट मैटर. आई वॉज ट्राइंग टू एड्रेस अ लार्जर इशू बट अनफॉर्चुनेटली एज यूजल इट गॉट लॉस्ट इन द नॉइस एंड यू नो पीपल डिडंट वांट टू अंडरस्टैंड you know the real debate I was trying to rake up. आपने रावलपिंडी की बात की. रावलपिंडी में बहुत सारे, कभी आप आए इस्लामाबाद में आपको लेके चलूं, बहुत सारे जो गुरुद्वारे हैं उसमें लोग रह रहे हैं, यानी उनकी फैमिलीज रह रही हैं. तो मैंने एक बार अपनी मदर से पूछा भी, उनकी एक फ्रेंड वहां रहती थी और मैंने उनसे कहा कि यहाँ क्यों रहती हैं और ये अजीब सी बिल्डिंग क्यों है. तो उन्होंने कहा ये गुरुद्वारा है. तो मैंने कहा क्यों, सिख कहाँ चले गए कि गुरुद्वारे खाली हैं और उसमें लोगों को उन्होंने दे दिए के घर बना लें और वहां रहें. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सवालों का जवाब हमारे यहाँ मिलता नहीं है और पूछते रहे आप वो कहेंगे बस जी कहाँ गए पता नहीं कहाँ गए. तो ये चीज है कि थोड़ा सा इसके ऊपर पाकिस्तान को देखना जरूर चाहिए. यहाँ से अगर हम आगे अपने दूसरे टॉपिक, आरजू बिफोर वी मूव ऑन, आपने एक बहुत सिंपल सी चीज बोली कि जो बिंदी है उसका कोई एज सच कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस ना होते हुए कल्चरल सिग्निफिकेंस है और ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान लोग हैं वो नहीं इस्तेमाल करते. तो आई थिंक जो पाकिस्तान की जो एक बैड इमेज बनाने का जो फिर एक जो क्रेडिट जाता है ना वो आपकी ड्रामा इंडस्ट्री आपकी आर्ट इंडस्ट्री को भी जाता है. क्योंकि आपकी आर्ट एंड सिनेमा में भी हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि यू नो कोई भी साउथ एशियन जो कोई भी साउथ एशियन किसी भी तरह का, चाहे वो सिंबल जो आप चाहे वो आप कपड़ों का लगा लें या आप बिंदी का लगा लें या आप ओवरऑल आपकी जो अपीयरेंस होती है उसको लगा लें, आपकी आर्ट एंड सिनेमा में हमेशा जो इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, चाहे वो बिंदी हो चाहे वो साड़ी हो, उसको हमेशा ही वो एक यू नो गलत चीज के साथ जोड़ के दिखाते हैं. या तो वो फहाशी के साथ जोड़ के दिखाते हैं उसको, या तो वो ऐसा दिखाते हैं कि जो साड़ियां पहनती हैं जो औरतें वो मतलब उनका दिमाग बड़ा खराब होता है, वो अपने घर नहीं बसाना चाहती, वो अल्लाह से बहुत दूर होती हैं, उनका ध्यान जो ज्यादा होता है वो फहाशी की तरफ और ये मेकअप वेकअप करने की तरफ होता है. तो आई हैव नेवर रियली सीन कि आपकी आर्ट एंड सिनेमा में कभी भी इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई जो भी आर्टिकल्स हैं उनको एक पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाए. तो प्रॉबेबली यही कारण है कि जो आपकी आवाम है, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो आर्ट एंड सिनेमा है उसका तो बहुत इफेक्ट होता है. एंड पाकिस्तान में तो ड्रामा इंडस्ट्री है जो भी है, आपकी फिल्म इंडस्ट्री तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती.